अपने दृष्टिकोण से बनाए थे, उन्हें एकदम आमूल चूल प्रवर्तन। कार्यपालिका का जो सर दोष है, कानून आप इनके साथ में कार्यपालिका का दोष कोई सुधार नहीं कर रहा। कानून पे कानून बनने से कानून का उपयोग नहीं होता है, काम होता है कार्यपालिका से। कार्यपालिका की जो प्रोसीडिंग है आपकी जो उसे कब सुधारा जाए, उन्हें कब कार्यपालिका की मर्जी पे नहीं रहेगा। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अधिकांश एविडेंस को इकट्ठा करने में पुलिस की मदद करेगा, तो पुलिस की मेहरबानी नहीं रहेगी, कार्यपालिका अपने आप जो है ना इम्प्रूव कर जाएगी, कार्यपालिका की जो है ना मेहरबानी खत्म हो जाएगी, लॉर्डशिप हर किसी की खत्म हो जाएगी। एवरीबडी इज अकाउंटेबल टू डू हिज जॉब। आज की जो बादशाही व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। आज के एक्सपीरियंस पे आप बात करेंगे तो घंटों बात करते हैं। आज ये जो हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, ये इसका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ये केवल इंडिया तक काम नहीं करता। आपकी जानकारी बहुत सीमित है, इससे बहुत आगे की सोच आगे जा रही है कि वी विल बी नोइंग एवरीथिंग, वी विल बी हैविंग द डाटा अबाउट द जो है ना वोलेटाइल डाटा ऑल्सो। सिस्टम में जो है एक छोटा सा बटन दला कर दिया जाएगा तो जैसे ही कोई सस्पिशियस कॉल होगा एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड। यदि वो आपसे ओटीपी पूछेगा तो सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि एक फर्जी ओटीपी भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगी, जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ 5 बार भी पढ़ पाएंगे। तो पूर्णिमा प्लीज होल्ड ऑन योर सेल्फ, जो आप सोच रही हैं उसके बहुत आगे की सोच है। तो यदि आप अपनी सोच से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बहुत पीछे की बात करेंगे, हम इसके बहुत आगे की बात कर रहे हैं, जो आपकी सोच और आपके एक्सपीरियंस और आपके एहसास का हिस्सा नहीं है। आप जो है आज वही चीज सोच पा रही हैं जो आपके आसपास घटित हो रही है। दिस इज मच हायर देन दैट, जो आपने नहीं देखा है, जो आपके नॉलेज में नहीं है, जो आपके प्रदर्शन में नहीं है, उन चीजों पर भी वर्क हो रहा है। एंड द टेक्नोलॉजी विल बी प्लेइंग ए मेजर रोल। जो एविडेंस पुलिस के रडार पे नहीं है, पुलिस के स्कैनर में नहीं है, वो एविडेंस कलेक्ट हो पाएंगे, और वो कलेक्ट ही नहीं होंगे, दे विल बी लॉक्ड विद द हैश वैल्यू। तो जो हैश वैल्यू से वो लॉक होंगे, उसके कारण जो है आपका जो मैनिपुलेशन है दैट विल नॉट बी डूएबल। इवन आज की जो सबसे डेडलीस्ट जो टेक्नोलॉजी है जिसको डीप फेक कहते हैं, इवन द डीप फेक विल नॉट बी इन पोजिशन टू मैनिपुलेट अवर डाटा। तो हम लोग बहुत पावरफुल तरीके से सोच रहे हैं, जिसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट से लेके ऑल काइंड ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस इटसेल्फ। तो वकील साहब या जज साहब मांगे चाहे ना मांगे, वो ये सब सर्टिफिकेट दे विल बी विद द ऑथेंटिसिटी विल बी टैग्ड विद द एविडेंस एट द सेट टाइम ऑफ द कैप्चरिंग ओनली, एंड दैट विल ऑल्सो बी लॉक्ड विद द हैश वैल्यू। तो पूर्णिमा अपने इस पे ज्यादा बात करेंगे तो हम लोग जो है वी विल बी लिमिटिंग बाय योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द डे। हमारी सोच इससे बहुत आगे की है, बहुत ही ज्यादा आगे की है, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ द युग परिवर्तन। अभी आप स्थिति में हैं कि आपके ऊपर 75 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, यहां पे वी आर टॉकिंग ऑफ द मच एडवांस एंड मच हायर वर्सन, जिसपे ढेर सारा काम हो चुका है। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड इवन एट माई लेवल थ्रू द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एंड बाकी चीजें भी बड़ी आसानी से डेवलप हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि इस पे यदि अपन ज्यादा गहराई पे जाएंगे तो थोड़ा सा जो है वी मे नॉट। मेरा ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो क्राइम हो रहा है, उसमें अगर हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे और उसमें अगर पुलिस अगर उसमें सही ढंग से रिस्पांस नहीं देती है, पुलिस को रिस्पांस देने की पुलिस के रिस्पांस एक आधार में कुछ नहीं कर, पुलिस की लॉर्डशिप नहीं रहेगी, पुलिस को रिस्पांस ना देने का कोई कारण ही नहीं बनता है। टेक्नोलॉजी विल बी गाइडिंग, यदि जो पुलिस को काम करना है वो टेक्नोलॉजी यदि उस बंदे के पास पहुंच जाएगी और उस एविडेंस को इंडिपेंडेंटली भी कैप्चर कर लेगी, तो पुलिस वाला जवाब भी नहीं दे पाएगा कि उसने क्यों काम नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उसको इन्वेस्टिगेशन लीड दी है। आज एग्जीक्यूटिव में पुलिस के ऊपर सीबीआई के ऊपर की पूर्णिमा, आज की पुलिस की बात मत करिए, आज की पुलिस अंग्रेजों की पुलिस है, आज की पुलिस जो है ना आपने जानबूझ के खराब पुलिस बना के रखी है, आज की पुलिस जो है ना आप अपने वैधिक दायित्वों का निर्वहन ना करके आपको भगा रही है,
इवन जो है ना आज के नियम कानून के हिसाब से यदि आप असंगे अपराध के उसमें जा रहे हैं तो भी आपका लिखा जाना चाहिए, वो आपसे आवेदन लेके भगा रही है। तो आज की पुलिस की हम बात क्यों कर रहे हैं, जब आज की पुलिस अच्छे ढंग से काम ही नहीं कर रही है और हम उस पुलिस में आमूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे, हमें किसी नेता के हाथ नहीं जोड़ना होंगे क्योंकि वो शक्ति हमारे हाथ होगी। आज के राजनेता तो अच्छा नियम कानून नहीं बनाएंगे, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और जुडिशरी के कहने के बावजूद भी उन्होंने ये सुधार नहीं किया कि अपराधी जो है ना पॉलिटिक्स में ना आए, अन्यथा एक छोटा सा अमेंडमेंट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में करके हम ये कार्रवाई बड़ी सुगमता से कर सकते थे। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जानबूझ के घटिया बनाया गया जिससे सब तरीके की धांधली चलती रहे। आज जो है 3-4 हजार पार्टियां हैं जो कि जिनका कोई कैंडिडेट नहीं जीतता है, कैसा क्या लॉलीपॉप हमने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के एक्ट के माध्यम से उन्हें दे दिया है कि उन्हें उसमें लॉलीपॉप दिख रहा है और वो पैसे बना रहे हैं और ठीक रह रहे हैं, और उनका मकसद जो है कोई ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है ना जीतना है ना वो जीत रहे हैं। तो भाई दे आर एग्जिस्ट और सर उस एक्ट को पकड़ने के लिए एसीबी के साथ में लोकपाल ये आगे से आगे बढ़ रहे कार्यपालिका बनती है। आपके जो एक्सपीरियंस है वो आज की घटनाओं से लिमिट हो रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द फ्यूचरिस्टिक पुलिस जिसके लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं विधानसभा में भी, वी विल नॉट डिस्कस द प्रेजेंट सिचुएशन क्योंकि ये गुलामी की व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है भाई। वी शुड डिस्कस दैट जिसको हम चेंज करने वाले हैं। आरएसएस भी विरोध में है। अरे आरएसएस को जाने दीजिए, हमें ना आरएसएस से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है ना भाजपा से मतलब है। जस्ट ए मिनट, हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे चंद्रगुप्त जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे। तो वाई वी शुड टॉक ऑफ द बीजेपी, वाई वी शुड टॉक ऑफ द आरएसएस, वाई वी शुड टॉक ऑफ द कांग्रेस, वाई वी शुड टॉक ऑफ द सपा, वाई वी शुड टॉक ऑफ एनीबडी। हमें अपनी एनर्जी वहां लगाना चाहिए। इन मोटी खाल के लोगों से आपने बहुत अनुनय प्रार्थना पिछले 75 साल में कर दी है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुलामी के हर चिन्ह से हर निशान से मुक्ति दिलाने का प्रण ले लिया है, लेकिन उन्हें गुलामी के नियम कानून और गुलामी की व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, उनका वो प्रण हमारे किस काम का आ रहा है। सर क्या हमारे हमारे देश की जो सरकार है उसमें गुलाम पर गुलाम गुलाम पर गुलाम पर हम चले इस्लाम अफगान इस्लाम एक मिनट अंग्रेज और अब हम स्वतंत्र हो गए। लेट्स नॉट मोनोपोलाइज पूर्णमा, पूर्णमा सुनो मेरी बात, लेट्स नॉट मोनोपोलाइज दिस डिस्कशन, अदरवाइज उसके लिए हम आपके साथ डेडिकेटेड सेशन कर लेंगे जूम पर। तो वहां पर मेरे ख्याल से लेट्स गो फॉर द जनरल मीटिंग जिससे कि एक डायरेक्शन मिल सके। ये आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो लिहाजा जो आपकी बात का जवाब है वो हम आपके जूम पे या जो है ना मीटिंग कर लेंगे जो कि लाइव होगी। आप जो है जो भी लेकिन हम आपको उसमें सलाह देंगे कि आप प्रेजेंट डे एक्सपीरियंस की चर्चा मत करिए क्योंकि आपको घटिया व्यवस्था दी गई है, गुलामों की व्यवस्था दी गई है। क्यों आप उसकी चर्चा में एनर्जी खर्च करना चाहते हैं? Why don't you want to straight away go and change it? आज की घटिया व्यवस्था कोई बात करके, आज की घटिया व्यवस्था की बात करके हम अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं क्योंकि ये घटिया व्यवस्था है। आपके ऊपर अंग्रेजों ने जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए उत्पीड़ित करने के लिए थोपी हुई थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है। लेट्स चेंज अवर एक्सपीरियंस, लेट्स चेंज अवर लॉ, और वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे जब आप जो है लॉ मेकर्स के जो है ना, जब आपके चाणक्य जो है ना वो सब रिफॉर्म करके और वो करके जो है ना उसे कानून का शकल दे देंगे, वो उतर आएगा उसके ऊपर, पब्लिक उस समय डिलीवरेशन होगी जिसमें आप भी डिलीवरेशन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को अब जो है आगे बढ़ाया जाए। तो पूर्णिमा आपसे हम चर्चा जो है आगे करेंगे, अभी जो है लेट्स नॉट मोनोपोलाइज अवर डिस्कशन, ठीक है ना? जी सर नमस्कार। अब हम जो है बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को अपराध मुक्त भारत वर्षन के लिए जो है एक इसको व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी हमें करना चाहिए। एक मांग हो रही थी कि इसका